गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में एक फुल्ली ऑटोमेटेड एडमिट कार्ड कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आप एक स्कूल के एम्प्लॉय हैं या स्कूल चलाते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है एक फुल्ली ऑटोमेटेड एडमिट कार्ड कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं। इससे हम लोगों के समय का बहुत ज्यादा बचत हो सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको एमएस वर्ड में एडमिट कार्ड डिजाइन कैसे किया जाता है इस टॉपिक पर बात किए थे। आज हम लोग फुल्ली ऑटोमेटेड एडमिट कार्ड कैसे बनाए जाते हैं इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड एडमिट कार्ड एमएस वर्ड में कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन खुला हुआ है और यहाँ पर जो है एक एडमिट कार्ड बनकर रेडी है और इस एडमिट कार्ड में आप कुछ मिसिंग देख पा रहे हैं। आप लोग के मन में हो रहा है कि एडमिट कार्ड एक्चुअल में मिसिंग क्यों है, तो इसमें देखिए नेम, क्लास, एनरोल नंबर और एडमिशन नंबर यहाँ पर मिसिंग है। तो इसमें मिसिंग होने का रीज़न यही है कि इसमें हम लोग डिफरेंट नेम, क्लास, रोल नंबर और एडमिशन नंबर को इसमें हम लोग इनपुट करेंगे, तभी ये मेरा ऑटोमेटेड एडमिट कार्ड कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो काम करना है, हमें इसका एक डेटाबेस रेडी होना चाहिए। आपके पास एक डेटा होना चाहिए, स्टूडेंट का एक लिस्ट होना चाहिए और क्लास, रोल नंबर, एडमिशन नंबर ये सब आपके पास मौजूद होना चाहिए और उसका डेटाबेस जो है वो आपको एक जगह सेव करके रखना चाहिए। जैसे कि मैंने इसका डेटा को यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डिटेल्स में सेव करके रखा। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखने नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स फॉर एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर मैंने इस एक्सेल सीट में मैंने इसको रखा हूँ सेव करके। तो इसको मैं खोल के देखता हूँ, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखिए ये डेटाबेस मेरा मौजूद है और इस डेटाबेस में मुझे अभी मैं डेमो के तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास अभी 18 गो स्टूडेंट का भी डेटा मौजूद है यहाँ पर कुल मिला के, और इन सारे डेटा को मुझे लिंक करवाना है एमएस वर्ड के साथ, ताकि ये जो स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, वो वहाँ पर आ जाए और आपको ऑटोमेटिकली जो है एडमिट कार्ड में उसका नाम शो हो जाए और एक ही क्लिक में आप जितना चाहे एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं अपने प्रिंटर से। तो आइए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको ये डेटाबेस रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और मिनिमाइज कर लेने के बाद आपको चल जाना है एमएस वर्ड में, जैसे कि मैं आपका आ गया हूँ यहाँ पर। और सबसे पहला काम जो करना है वो है आपको मेलिंग ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले आपको जाना है मेलिंग ऑप्शन पर। चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए मेलिंग ऑप्शन आपको यहां पर मिलेंगे, देखिए इस जगह में आपको मिलेंगे मेलिंग ऑप्शन। और मेलिंग ऑप्शन में आपको जाने के बाद जो है देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से देख पाए। देखिए मेलिंग ऑप्शन यहां पर मौजूद है, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहां पर तो आपके सामने जो है इस तरह के सिलेक्ट रेसिपिएंट्स नाम के ऑप्शन आएंगे। तो सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने मिलेंगे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, बस आपको इसमें क्लिक करना है। और इसमें क्लिक करते ही आपके सामने, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, देखिए इस तरह के एक लिस्ट खुल जाएंगे। और इस तरह के लिस्ट खोलने के बाद जो है आपको यहां से चूज करना है आपका फाइल का लोकेशन। तो जैसे कि मेरा फाइल का जो लोकेशन है वो मेरा डेस्कटॉप में है, क्योंकि हमने डेस्कटॉप में रखे थे, तो डेस्कटॉप के जो लोकेशन है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा फाइल है उस फाइल को मैं यहां से चूज कर लूंगा। चलिए मेरा फाइल्स है स्टूडेंट डिटेल्स फॉर एडमिट कार्ड ये वाला है, तो इसको मैं इंटर प्रेस करूंगा सिलेक्ट करने के बाद, या तो आप यहां पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं यहां पर इंटर प्रेस करूंगा
तो आपके पास यहाँ पर देखिए एक विंडो खुल जाएगा जिसका नाम है, मैं इसको छोटा कर देता हूं, देखिए यहां पर ये विंडो ओपन हो जाएंगे आपके सामने। और इस विंडो में कहा जा रहा है कि आपने किस सीट में अपने डेटा को सेव करके रखा है, तो सीट वन, सीट टू या सीट थ्री में। तो मैंने अपना डेटा सीट वन में रखे है, तो इसलिए हमने सीट वन को सिलेक्ट कर लूंगा और देन आपको यहां पर ओके बटन में क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद जो है आपको काम करना है, आपको चल जाना है इंसर्ट मार्च फील्ड में। चलिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं, इंसर्ट मार्च फील्ड आपका कहां है। देखिए यहां मिलेंगे आपको इंसर्ट मार्च फील्ड, आपको यहां पर क्लिक करना है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। मेलिंग ऑप्शन में मिलेंगे, देखिए यहां पर मिलेंगे आपको इंसर्ट मार्च फील्ड। तो इंसर्ट मार्च फील्ड में आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जिस जगह में रखना है आपका कर्सर वहां ब्लिंक होना चाहिए। तो चलिए मैं यहां पर कर्सर को ब्लिंक कर लेता हूं, मुझे यहां पर चाहिए नेम में, देख लीजिए। और यहां पर आपको इंसर्ट मार्च फील्ड में आपको क्लिक करना है और स्टूडेंट्स नेम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए यहां पर आ गया स्टूडेंट नेम। देन आपको क्या चाहिए, क्लास चाहिए, तो क्लास में क्लिक कीजिए। फिर आपको इंसर्ट मार्च फील्ड में जाना है और यहां से क्लास को चूज कर लेना है। फिर आपको चाहिए, जैसे कि इसको डिलीट प्रेस करके हम इसको रोल नंबर को यहां ले आते हैं, और यहां क्लास भी बहुत इधर चला गया है तो इसको भी हम लोग जगह पर ले आते हैं। रोल नंबर में आपको क्लिक करना है और फिर से आपको चल जाना है इंसर्ट मार्च फील्ड में। इंसर्ट मार्च फील्ड में जाने के बाद आपको रोल नंबर को यहां से चूज कर लेना है। देखिए रोल नंबर भी आ गया है। अब आपको लेना है एडमिशन नंबर, तो मैं एडमिशन नंबर में सिलेक्ट करूंगा और यहां से फिर से चला जाऊंगा इंसर्ट मार्च फील्ड में और यहां से एडमिशन नंबर को भी चूज कर लूंगा। जैसे एडमिशन नंबर लेंगे तो यहां पर देखिए एडमिशन नंबर मौजूद हो गया है। और यहां पर आपको इसको मैं अभी छोटा कर लेता हूं। देखिए अब जो है यहां पर यहां तक का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसको प्रीव्यू करके देखना है, तो चलिए प्रीव्यू बटन कहां देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का प्रीव्यू का बटन है, इसको नाम है प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में क्लिक करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पर देखिए नाम शो होने लगा है, क्लास भी दिखने लगा है, रोल नंबर भी दिखने लगा है। इसको थोड़ा सा कुछ जगह चेंज कर देना है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एडमिशन नंबर भी शो हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड को भी देख सकता हूँ। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड में क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ सोनू अग्रवाल हो गया, फिर चेंज करते देखिए यहाँ पर दूसरा नाम आ गया। देखिए क्लास, रोल नंबर सब कुछ बदल रहा है, फिर देखिए बदल रहा है। इस तरह से जितना भी मैंने डेटा सेव करके रखा है और उसमें हम लोग मार्च कर दिए हैं, तो इसको देखिए ऑटोमेटिकली ये एडमिट कार्ड बनकर आपका रेडी है। और अगर चाहते हैं आप इसको एक ही पेज में हम लोग देखें, मतलब हम लोग इसका सारे को हम लोग एक साथ देखें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से आपको चल जाना होगा फिनिश वाले बटन में। देखिए यहां पर मिलेंगे आपको फिनिश मार्च फील्ड, आपको यहां पर फिनिश मार्च में क्लिक करना है। देन आपको मिलेंगे यहां पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएंगे, मार्च टू न्यू डॉक्यूमेंट। आपको यहां पर सिंपल सा आपको करना है ओके बटन को प्रेस, और ओके बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आपके सामने देखिए ये एडमिट कार्ड बनकर रेडी है। देखिए फिर दूसरा आ गया, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से जितने हम लोगों ने बनाए हैं टोटल आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। देखिए सब अलग अलग नाम का, क्लास का, रोल नंबर सब अलग अलग है। देखिए इस तरह से आप फुली ऑटोमेटेड एडमिट कार्ड को बना सकते हैं। चलिए मैं इसको छोटा करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इतने सारे एडमिट कार्ड चुटकी में आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आपको ये भी जानकारी हासिल हुआ कि कैसे हम लोग एक फुल्ली ऑटोमेटेड एडमिट कार्ड को बना सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।